आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीजन शुरू हो गया यार, और क्योंकि यूपीएससी सीजन शुरू हुआ है तो भैया हमारा हमको बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जो प्रहार बैच है उससे मतलब जैसे एक बच्चे, देखिए मैं क्लेम करता हूँ जो पूरा बच्चा जो पढ़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई करेंट अफेयर ले लिया, ऐसे तो बहुत है, किसी ने करेंट अफेयर ले, किसी के आंसर राइटिंग ले ली, नहीं, मेरा सीधा रहता है कि जो पूरा। तो एक ने इंटरव्यू दिया था बट वो नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, इस बार हम और बच्चों को ट्रेन करेंगे। साथ ही साथ जिंदल सर ने जो 100 में टॉप 10 सिलेक्शंस वो उन्होंने दिए हैं, तो वो हमारी कोर फैकल्टी हैं। तो प्रहार बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि अब डेट खत्म हो रही है, 1 जून से शुरू होगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स है। चलो, तो प्रीलिम्स है कल 28 मई को, है ना, संडे है, टेंशन में होंगे आप, डेफिनेटली टेंशन में होंगे। तो लास्ट मिनट टिप क्या है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है समझो आप पहले। सबसे पहले जो आपको नहीं करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लोगे स्ट्रेस लेकिन कोशिश करो कि स्ट्रेस कम से कम हो। देखो एग्जाम है, इसको एग्जाम की ही तरह लो, और स्ट्रेस ले रहे हो इसका मतलब तुम्हारी तैयारी बढ़िया है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, वो सुना है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन एंड मोर एंग्जाइटी। तो परेशान मत हो, अगर तुमने अच्छी तैयारी है तुम्हारी तो डेफिनेटली ये एग्जाम निकलेगा, और डर जायज है। थोड़ा सा रिलैक्स रहो, आज पढ़ाई मत करो, बहुत पढ़ना भी तो बहुत ही लाइट पढ़ना, एग्जाम से आने के 1-2 दिन पहले ना पढ़ो नहीं, बहुत ही लाइट पढ़ना, ठीक है, बहुत ही कम पढ़ना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, आज चिल मारो, ओके, आज अब इतने समय से पढ़ाई कर रहे हो तो आज थोड़ा सा चिल मार लो, जो भी नोट्स वोट्स है उसको रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद सेंटर जो है 10 बजे से एग्जाम होगा, तो सेंटर थोड़ा सा 9 बजे तक पहुंच जाना। कई बार ऐसा होता है क्योंकि देखिए 9:30 पे एंट्री बंद हो जाती है, तो 9:31 पे वो आपको घुसने नहीं देंगे, फिर आप कंप्लेन मत करिएगा। ऐसे भाई बहुत सारे केसेस आते हैं, तो यार देखो अगर आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंच जाओगे तो कुछ उखड़ेगा नहीं, ठीक है, एक ही बार की बात है, तो थोड़ा सेंटर जल्दी ही पहुंच जाना, स्पेशली उनका जिनका दूर है ना, थोड़ा सा आप रिलैक्स होगा, और सेंटर पे भी थोड़ा दूर ही रहना। सेंटर पे क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, मेरा ये मानना है कि जैसे जब मेरा बोर्ड एग्जाम था तो मैं अच्छा खासा फिजिक्स पढ़ के गया, वहां पे देख रहा, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा, मेरी हालत खराब। तो ये होता है सेंटर पे, सेंटर पे जाओ लेकिन सेंटर से थोड़ा दूर रहो, उसके माहौल में ना रम जाओ। याद रखना, ये बहुत अच्छे से बात बता रहा हूं, हो सकता है जिस सेंटर पे आए हो वहां पे बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फर्जी में पहली बार मतलब 1-2 महीनों ने तैयारी की होगी लेकिन जबरदस्ती नोट पलट रहे होंगे, तो दूर रहो ऐसे बाबाओं से, ठीक है, ज्यादा बातचीत ना ही करो तो बेटर है। बातचीत करोगे तो और डर होगा, किसी ने कुछ बता दिया, ये आएगा वो आएगा फलाना धमाका, मैं इतने साल से दे रहा हूं ये, तो वो सब नहीं करने की जरूरत है, अपने ऊपर भरोसा रखो। तो जहां सेंटर है ना उसे थोड़ा सा दूरी खड़े ना, कोई अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर एकदम ही इंडल्ज हो गए, अपने दिमाग को एकदम फ्री रखना, ठीक है, और एकदम कॉन्फिडेंट रहना, ये चीज है, एग्जाम है निकल जाएगा, परेशाने की बात नहीं है, ठीक है। फिर सवालों पर आ जाते हैं, एक बार एंट्री कर गए तो एक पानी की बोतल जरूर रखना, और मैं ये बोलूंगा क्योंकि देखिए गर्मी हो रही है, मई का महीना है और आपको पूरा दिन जो है वो सेंटर पे गुजारना है, तो एक पानी की बोतल ले जाना, नहीं तो खरीद लेना, ठीक है, घर से ले जाना, ठंडी ले जाना, है ना, और उसके बाद वो पानी की बोतल अपने पास रखे रहना, हर 10-10, 15-15 मिनट में पानी पीते रहना, दिमाग रिचार्ज हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, होता क्या है, वो रिचार्जिंग का काम करता है, ठीक है, आपको सुस्ती नहीं सोने नहीं देता, सुस्ती नहीं आने देता है। तो पानी की बोतल जो है वो 1 लीटर की या 0.5 लीटर की जरूर ले जाना, और खैर अब तो यूपीएससी हॉल में पानी के इंतजाम होते हैं, लेकिन अगर आपके पास रखी रहेगी तो वो ज्यादा बेटर है। पेन वेन ले जाना अच्छे से अपनी तैयारी करके, बॉक्स में पेन, और एक चीज ना, पेन थोड़ा सा ऐसा ना जेब में डाल दिया, क्योंकि कई बार धूप से ना पेन लीक हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ था मेरे यहाँ, 2-3 जब मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, दो तीन बच्चों का पेन ही नहीं चला, वो धूप के कारण लीक हो गया, और वो पेन ही नहीं चल रहा, वो सबसे मांग रहे कोई दे नहीं। तो ये फर्जी की टेंशन है, ठीक है, ये सारी है। और उसके बाद फिर जब एक बार आप एंट्री कर जाओ तो जो सवाल आएंगे, देखो एक चीज समझो, यूपीएससी में 100 सवाल आते हैं, उसमें से 50 सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है जैसे पहले पेज तुमने पलटा, अब पहले पेज पे एक टफ सवाल, मान लो का इतना अच्छा इकोनॉमी नहीं है, अब पहले पेज पे इकोनॉमी, तो घबराना नहीं, पलट लो पेज, ठीक है। यूपीएससी में ऐसे होता है ना कि ऐसे डिस्टॉर्टेड सवाल नहीं होते जैसे पीसीएस में होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे अगर यूपीएससी में इकोनॉमी का पूछा जा रहा है तो आगे 8-10 इकोनॉमी के ही होंगे, पॉलिटी का पूछा जा रहा है पॉलिटी के ही होंगे, तो पलटे तुमने 10 सवाल नहीं आए, पूरे करंट अफेयर लग गई, कोई बात नहीं पलट लो फिर से, फिर उसके बाद नहीं आए और खतरनाक इकोनॉमी के लग गई, कोई बात नहीं और पलट लो, पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, आसानी से कर लोगे।
बहुत टफ सवाल है तो कट ऑफ कम जाएगी, इतना दिमाग में रखना। अच्छी तैयारी है तो इतना तो समझ ही गए होंगे ना, पेपर्स लगाए होंगे कि लेवल क्या है पेपर का, तो 88 मार्क्स पिछले साल कट ऑफ गई थी। तो बहुत टफ है तो ये माइंड में रखना कि कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चंस अगर 50% आपको आता है तभी आप अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है तो भूल जाइए। ये एग्जाम ऐसा नहीं कि आपको एकदम ही आएगा, ठीक है। प्री मेन से ज्यादा टफ होता है, मैं आपको बता दूं। यस, प्री मेन से ज्यादा टफ है। मेंस में तो आप लिखते हो, प्री में आपको करना पड़ता है और उसमें रट्टा फिकेशन थोड़ा बहुत चलता है। और यह मत समझिएगा कि उसमें देखिए पूरा आप पढ़ भी नहीं सकते सिलेबस बहुत, और याद रखिए कि जब तक लास्ट में जाएंगे वो भूल ही जाएंगे आप, कितना भी आपको याद रहे आप भूलेंगे। तो रिटेन आपका 40-50% ही रहेगा, लेकिन उसी में ही आप बाजी मार लोगे क्योंकि वहां से फिर आपका कॉमन सेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ी होगी आपने, भाई इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हो इस साल के करंट अफेयर्स, तो वो दिमाग में क्लिक करेगी। अब याद रखना, अगर आप कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके बारे में बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है तुरंत तो छोड़ दो, एकदम हीरोबाजी नहीं दिखानी है कि उसको करना है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवाल होते हैं 4-5 जो बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ, वो डुएबल ही नहीं होते, ये चीज समझो आप, ठीक है। तो सवालों को लेकर सतर्क रहे ना, वो सेक्शंस करो जो आपके अच्छे से तैयार है, पहले वही अटेम्प्ट करो ताकि और कॉन्फिडेंस आए, भले कितना भी पेज पलटना पड़े लेकिन वही क्वेश्चन करो। और याद रखना कि जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जैसे क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट रीडिंग में हमको क्वेश्चन क्लिक नहीं करते, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ऐसे मार्क कर दो, ठीक है, मार्क कर दो। और जो क्वेश्चन बिल्कुल ही हवा नहीं है उनको ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप करते जाओ। एक चीज और है कि जब जैसे क्वेश्चन करो अपना एमआर शीट बगल में रखना, क्वेश्चन पेपर बगल में रखना, जैसे ही वो क्वेश्चन हो रहा तुरंत गोला लगाना। कई बार ऐसा हमने देखा है कि भैया आखिरी में पता नहीं क्यों गोला, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स, मेरा एक दोस्त था वो आईआईटी का पेपर देने गया था, वो गोले ही छूट गए उसके। तो ये मत करना भाई, कितना टाइम लगता है, फटाक से तुमने सवाल किया देखा और उसी वक्त गोला लगा दिया, खत्म, इतना सही करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको वो सवाल करने हैं फर्स्ट रीडिंग में जो आपको अच्छे से आता है, फिर दूसरी रीडिंग में दिमाग लगाओ, ठीक है, जो जो सवाल आपने छोड़ दिए हैं, जो सवाल में आपको 50% डाउट है वो करो आप अच्छे से, और लास्ट में उन सवाल को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिनमें आपको 25% डाउट है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, याद रखिए, ठीक है। कई बार देखिए ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं ना यूपीएससी में कि आप ऑप्शन से ही, एलिमिनेशन मेथड से ही आपका सवाल हो जाएगा अगर आपको उसमें एक या दो भी सेंटेंस पता है, आमतौर पर 3-4 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया मत पढ़ना। मैंने क्या बताया, आज थोड़ा चिल मारो, थोड़ा दिमाग रिलैक्स करो, दोस्तों के साथ घूम लो, ठीक है, थोड़ा गाने वाने सुन लो, वेब सीरीज देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन हल्का चिल मारो, बहुत ही हल्का पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है। और बस यही सारी चीजें हैं, जो चीज हो बहुत स्ट्रेस मत लो जाके, ठीक है। किसी भी ऐसे इंसान से बात ना करें जो आपको नेगेटिव कर दे, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है उसी पे स्टिक रहना, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं 12th में था तो मैं समझो कि मतलब मेरे केमिस्ट्री में 98 मार्क्स थे, ठीक है, और मेरा ऐसा हिसाब किताब था कि मतलब अगर नींद में भी कोई मैथ्स फिजिक्स का सवाल आता तो मैं ऐसे कर देता था, मुंह जवानी कर देता था। लेकिन एक गधे की मैंने बात एक रात पहले सुन ली, मैथ्स का पेपर था और उसने बोला कि यार सिद्धांत लास्ट से, अब मेरी आदत है मैं शुरुआत से करता हूं, वो कहता लास्ट से करना, लास्ट 6 मार्क्स से। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही, अब मैं 6 मार्क्स से इंटीग्रेशन का सवाल लगा रहा हूं, अटक गया, हो गई घबराहट मुझे, तो उसकी वजह से मेरा पूरा पेपर पेपर खराब हो गया। मैथ्स का मार्क्स ठीक आए थे, 60 मार्क्स थे, लेकिन आने 99 चाहिए थे क्योंकि मेरी तैयारी ऐसी थी 100 आने चाहिए थे, लेकिन अब वही है कि तो इसीलिए कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसी पे स्टिक रहना, किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी मत कॉपी करना, और स्पेशली लास्ट समय पे। तो जो सोचा वो करो, ऑल द बेस्ट। बाकी कल जैसे ही पेपर होगा हम जो है वो तुरंत पेपर का एनालिसिस लेके आएंगे, और साथ ही साथ अभी तो मैं अपने जो हमारे बैच में है उनसे मीटिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही, और बाकी मेरे प्रहार बेंच को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।